हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है एक ग्लास पानी से। सो मेरा भाई मुझे कल का कहा था कि उसकी कॉपीज कवर कर देने, पर मैंने नहीं की थी, इसलिए मैं आज कर रही हूँ उसकी कॉपी कवर्स। वो तो स्कूल चला गया पर मेरे पास काम छोड़ गया अपना। फाइनली आई एम डन विद दिस। मैंने ये सारे कॉपीज कवर कर दिए। आज सुबह ही मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया किसी बात को लेके, तो मैं अपना फेवरेट गाना चला के सुनने लगी, क्योंकि आई थिंक सॉन्ग्स आर द बेस्ट थिंग टू चीयर अप योर मूड्स। यहाँ पर मैं अपने पापा के साथ कोचिंग जा रही थी, बिकॉज आज वो मुझे छोड़ने जा रहे थे। कंप्यूटर क्लास आके मैंने की थोड़ी सी प्रैक्टिस। ये क्लिप मैंने घर वापस आते वक्त ली थी। सो अभी मैं कोचिंग से आ गई हूँ और मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया है। सो आज मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा सा स्कैम। मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज पढ़ना और मैंने फ़ोन अपना ट्राइपॉड पे लगाया था, पर पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपना कैमरा ऑन करना ही भूल गया और ये बहुत बड़ा लोल हो गया। सो उसकी क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी। सो फाइनली आई एम डन विद दिस बिजनेस स्टडीज़। मैंने फर्स्ट चैप्टर का हाफ नोट्स बना लिया है, हाफ चैप्टर का, और अभी मुझे हाफ चैप्टर का नोट्स और बनाना है जो कि मैं कल बनाऊँगी, और अब मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी। सो फाइनली जिस चीज़ का मुझे एकदम बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि मेरे स्कूल खुले, तो फाइनली वो दिन आ गया है। वो है 8 अप्रैल। 8 को मेरा स्कूल खुल रहा है, इसी 8 को, वो भी मंडे से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे बहुत दिन से अपने तो मुझे मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी थी अपने दोस्तों से। इनफैक्ट मुझे पढ़ने की नहीं, ज़्यादा अपने दोस्तों से मिलने की, अपने क्लासमेट से मिलने की खुशी थी और नए लोगों से भी मिलने की, क्योंकि यू डोंट नो कितने लोग नए आने वाले हैं। सो ये दिस इज़ हैप्पी न्यूज़ फॉर मी फॉर टुडे। यहाँ पर आई डिसाइडेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैं पहले से पढ़ती आ रही हूँ, तो मैंने सोचा वैसा ही होगा। पर हाँ, उसी का थोड़ा सिमिलर था, पर उतना पूरा वही नहीं था, उससे बहुत हाई लेवल की इकोनॉमिक्स है ये। पर लिटरली यार, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ ईजी है, पर अकाउंटेंसी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, एकदम समझ नहीं आ रही। लिटरली यार, मेरे वो पल्ले नहीं पड़े है, मेरा क्या होगा इस सब्जेक्ट में, आई डोंट नो।
सो फाइनली आई एम डन विद दिस ऑल्सो। मैंने थोड़ा सा ही इसका नोट्स बना पाई क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। एंड हियर आई डिसाइडेड टू डी क्लटर माई स्टडी टेबल बिकॉज इट वॉज गॉन सो मच मैसी। बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।